एक ऐसा मंदिर जहां की मूर्ति पे ना तो प्रसाद चढ़ता है और ना ही गंगा जल। यहां प्रसाद के तौर पर चढ़ता है तो सिर्फ दारू। जी हां दोस्तों, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब दारू का प्याला मूर्ति के मुंह से लगाया जाता है तो वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होती जाती है। जब इस बात की खबर वैज्ञानिकों तक पहुंची और वैज्ञानिक जब तक शोध नहीं करते उन्हें किसी बात पर विश्वास नहीं होता। लेकिन इस मंदिर की मूर्ति के इस रहस्य के आगे उनके शोध धरे के धरे रह गए। कुछ शोधकर्ता ने तो अपने घुटने टेक दिए और कुछ वहां से भाग निकले। तो आखिर ऐसा क्या देखा वैज्ञानिकों ने इस मूर्ति में और कहाँ है ये मंदिर? आखिर दारू ही क्यों प्रसाद के तौर पर यहाँ चढ़ाई जाती है? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। इस मंदिर का नाम है काल भैरव मंदिर, जो कि उज्जैन में स्थित है। ये मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के बाहर सजी दुकानों पर हमें फूल, प्रसाद, श्रीफल के साथ साथ वाइन की छोटी छोटी बोतलें भी सजी नजर आती हैं। बाबा के दर पर आने वाला हर भक्त उनको देसी दारू जरूर चढ़ाता है। बाबा के मुंह से दारू का कटोरा लगाने के बाद दारू धीरे धीरे गायब होती जाती है। मंदिर में भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। हर भक्त हाथ में प्रसाद की टोकरी में फूल और श्रीफल के साथ साथ दारू की एक छोटी बोतल भी ज़रूर रखता है। अब बात करते हैं कि बाबा कैसे दारू को पीते हैं। ये बात काफ़ी दिलचस्प है कि भैरव बाबा की प्रतिमा के पास बैठे पुजारी गोपाला महाराज कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं और भक्त टोकरी में रखी दारू को गोपाल महाराज को देते हैं। पंडित जी दारू की एक छोटी प्लेट में उसे निकालते हैं और बाबा की मूर्ति के मुंह से लगा देते हैं। भोग लगाने के बाद प्लेट में दारू की एक बूंद भी नहीं बचती। ये सिलसिला यहाँ चलता रहता है और ऐसे ही बाबा की मूर्ति कई लीटर दारू पी जाती है। काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। ये एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वे ही यहाँ तंत्र क्रियाएं करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को दारू का भोग भी चढ़ाया जाता था। कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकार यूं ही जारी रखा है। दारू पिलाने से पहले कुछ मंत्रों का बुड़बुड़ाना जरूरी होता है, इससे बाबा खुशी खुशी दारू स्वीकार करते हैं। आखिर क्या राज है इस मूर्ति का? एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की अच्छी खासी जांच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा उनके शोध धरे के धरे रह गए। उसके बाद वे भी काल भैरव के भक्त बन गए और कुछ शोधकर्ता वहां से भाग निकले। उनके बाद से ही यहाँ देसी दारू को वाइन उच्चारित किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। काल भैरव को दारू पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। ये कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से ही भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वे खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। उनके पापा दादा भी उन्हें यही बात बताते हैं कि ये एक तांत्रिक मंदिर था जहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को दारू भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन दारू चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को दारू चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।